नमस्कार दोस्तों, यह है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये। एज यू कैन सी गाइज, वी हैव क्रिएटेड जस्ट वन चैट आइकॉन अबाउट द मूवर्स एंड पैकर्स, और इसको हमने क्रिएट किया है विथ जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लेयर्स। इन हमारा जो आफ्टर इफेक्ट्स रहता है उसमें जो लेयर्स हम क्रिएट करते हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ हमने इस चैट आइकॉन को एनिमेशन किया है गाइज। और जैसा आप सबका मानना है कि भाई एनिमेशन क्रिएट करना या कुछ भी कमाना शुरू करना है तो आपको सॉफ्टवेयर का 100% नॉलेज होना जरूरी है। नो डाउट सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, डिटेल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, बट जब बात आती है मोशन ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन, अगर आपके पास अपनी क्रिएटिविटी और आपका इमेजिनेशन है तो बेसिक प्रॉपर्टी के साथ भी आप अपने अच्छे खासे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर शुरुआत के टाइम पे काम कर सकते हो, जिसमें आप लोकल बिजनेसेस या फिर न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत सारी चीजें या प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। और वही चीज आज हम देखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो बस उसमें हम खाली एनिमेट करने वाले हमारे इस चैट आइकॉन के बैकग्राउंड को, और प्लस जो ट्रक दिख रहा है उसको हम एनिमेट करने वाले हैं हमारे लेयर्स की बेसिक प्रॉपर्टी के साथ। तो चलते हैं हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो नाउ एज यू कैन सी गाइज, हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखोगे मेरे सारे लेयर्स मैंने यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। सोलो करके अगर सारे लेयर्स दिखाऊंगा मैं आपको तो ये मेरा बैकग्राउंड है, उसके बाद मेरा यहाँ पे चैट बॉक्स का बैकग्राउंड, फिर टॉप बॉक्स है चैट का, फिर यहाँ पे फ्रेम बॉक्स है चैट का, उसके ऊपर मैंने दो सेमी कॉलम्स अप्लाई करके रखे हुए हैं तो ये भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा मेरा ट्रक का शेडो है, देन मेरा ट्रक का बैक टायर और फ्रंट टायर है, और उसके ऊपर मेरा ट्रक का मेन बॉडी है जिसके ऊपर मेरा टैक्स भी अप्लाई है। और ये सारा ग्राफिक्स मैंने जो क्रिएट किया है गाइस वो मैंने फोटोशॉप के अंदर जनरेट किया हुआ है और वही फाइल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है। अब फोटोशॉप या इल्यूस्ट्रेटर की फाइल को कैसे क्रिएटिव वे से और स्मार्ट वे से कहूँ, नॉट अ क्रिएटिव बट स्मार्ट वे से कैसे आफ्टर इफेक्ट में इम्पोर्ट करते हैं वो मैं किसी एक और ट्यूटोरियल में आपको बेटर तरीके से बताऊंगा, बट आज के लिए मैंने ये सारी फाइल फोटोशॉप पे यहाँ पे इम्पोर्ट की है। और आप देख रहे हो कि जैसे मैंने लेयर्स को प्रॉपर तरीके से लेबल्स करते हुए रखा हुआ है ताकि मुझे पता चले कि कौन सा लेयर दूसरे कौन से लेयर के साथ रिलेटेड में है। तो जैसे मैं आप देख रहे हो मेरे ट्रक के सारे लेयर को मैंने येलो लेबल दिया हुआ है, मेरे चैट बॉक्स के सारे लेयर्स को मैंने ऑरेंज लेबल दिया हुआ है, और मेरे बैकग्राउंड को मैंने एक अलग कलर दिया हुआ है। सेम चीज मैंने मेरे प्रोजेक्ट पैनल में भी अलग अलग फोल्डर्स को अलग अलग लेबल्स और प्रॉपर नेमिंग के साथ रखा हुआ है। सो आइदर आप फ्रीलांसर आर्टिस्ट हो या फिर आप फ्रीलांस मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो या फिर आप किसी कंपनी में एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट स्टूडियो में मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट काम कर रहे हो या ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हो, जितना आप प्रोजेक्ट को ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज करके रखोगे उतना ही आपके खुद के लिए भी या फिर सेम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले आपके कलीग के लिए भी वो काम बहुत ही आसान होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट अवर एनिमेशन। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले गाइस, सबसे पहले जो हम एनिमेट करने वाले हमारे बैकग्राउंड का जो चैट आइकॉन है उसको। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रक आइकॉन को मैं हाइड कर देता हूँ, मतलब अनसोलो कर देता हूँ, और इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि मैं इसको टच ना करूं, ठीक है। अब जो मुझे एनिमेट करना है इन पांच लेयर को एनिमेट करना है, बट मुझे इन्हें इंडिविजुअल एनिमेट नहीं करना है। बट हाँ, इस ट्यूटोरियल के बाद, आफ्टर इफेक्ट्स के इस चैट आइकॉन एनिमेशन ट्यूटोरियल के बाद, आपको लगता है कि आप अगर इंडिविजुअल एनिमेट करना चाहते हो हर एक लेयर को तो भी आप कर सकते हो, बट मेरा बस खाली इस ट्यूटोरियल से लेना देना इतना है आपको सिखाना कि आप बेसिक प्रॉपर्टी के साथ भी अच्छे खासे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो जो आप अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज कर सकते हो गाइस। तो मैं क्या करना चाहूंगा, सबको मुझे एनिमेट करना है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, अगर यहाँ पे सबकी स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ और सब कुछ, तो आप देखो ये सारा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो ये आइकॉन्स यहाँ पे रह गए, ये प्रॉपर नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है, फिर से सब कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा, जो मेरे लिए मुश्किल है। अब मुझे करना क्या, इंडिविजुअली एनिमेट करना ही नहीं है, मुझे एक साथ सब कुछ एनिमेट करना है। और जैसे हमने कहा हम बेसिक के साथ करने वाले, नो डाउट हमारे पास और ऑप्शन है उनको एक साथ करने के लिए, बट अभी हम बेसिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए बिगिनर्स को, हाँ भाई ये करने के बाद हम क्या उखाड़ लेंगे, खाली बेसिक प्रॉपर्टी चाहे आप कहीं पे भी सीख रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ, बस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है,
बट धीरे बट अगर आपको बेसिक पता होगे तो आगे जाके आप अपने एडवांस ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हो अपने टाइम सेविंग के लिए, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाओगे, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तब मैं क्या करूँ, इन पांचों लेयर को हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और मैं इन पांचों लेयर का क्या कर दूंगा, एक प्रीकंपोजिशन क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूं चैट बॉक्स प्रीकॉम्प, ठीक है, ताकि ये मुझे पता चले कि मैंने किसके लिए किया हुआ है, मुझे आइडेंटिफिकेशन आराम से उसका मिलता रहे। तो भाई ये प्रीकॉम्प मेरा जनरेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे एनिमेट करना है, बट एनिमेट करना चाहे मुझे क्या करना है, स्केल एनिमेट करना है एंड रोटेशन एनिमेट करना है इस चेकबॉक्स के लिए, जैसे हमने वीडियो में देखा जो मैंने आपको दिखाया अभी स्टार्टिंग में। बट यहाँ पे दिक्कत ये होगी, अगर मैं इसको रोटेट करने जाऊंगा तो आप देखो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, मुझे क्या करना है, ये रोटेशन एग्जैक्टली यहां से उसका होते हुए दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एनिमेशन में एंकर पॉइंट बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है गाइस। तो आप एंकर पॉइंट को कहाँ पे प्लेस करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए आप यहाँ पे जाके इस पैन बिहाइंड टूल को सिलेक्ट कर सकते हो विद द माउस, या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट वाई यूज कर सकते हो, ताकि आपका देखो कर्सर चेंज हो चुका है। नाउ मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ आसानी से। तो मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट को इस जगह पे मूव कर दिया है। अब अगर मैं रोटेट करूंगा तो देखो जो हमारा डिजायर रोटेशन था वो अभी हमें मिल गया है हमारे चैट बॉक्स आइकॉन के लिए, बराबर है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन करके रखा है, अब मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट एंड एस तो उसका स्केल प्रॉपर्टी भी ओपन हो गया है। अब हम जीरो नंबर फ्रेम के ऊपर है, यहां पे मैं क्या कर दूंगा, स्केल प्रॉपर्टी लेयर की और रोटेशन प्रॉपर्टी जो लेयर की उसके ऊपर कीज अप्लाई कर दी है मैंने। अब मैं 20 फ्रेम्स आगे जा रहा हूं हमारी टाइमलाइन के अंदर, वापस से क्या कर रहा हूं मैं, स्केल और रोटेशन प्रॉपर्टी के ऊपर कीज अप्लाई कर देता हूं। अब हम वापस जीरो नंबर की फ्रेम आ जाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, हम रोटेशन वैल्यू में थोड़ा डाउन कर रहा हूं यहां पे, मतलब ऑलमोस्ट अप्लाई कर रहा हूं +25। अब नेक्स्ट की फ्रेम के और यहां पे स्केल का वैल्यू मैं कर दूंगा 0 ऑन द फर्स्ट की फ्रेम। अब सेकंड की फ्रेम पे हम जंप करते हैं, जहां पे स्केल का वैल्यू 100 ही चाहिए मुझे, बट रोटेशन जो वैल्यू है उसको मैं माइनस में अप्लाई कर रहा हूं, ऑलमोस्ट लाइक -10 वैल्यू में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मैंने -10 यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 10 फ्रेम जंप कर रहा हूँ आगे हमारी टाइमलाइन के अंदर, वापस मैं रोटेशन की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक +5, और मैं अभी 5 फ्रेम आगे जाऊंगा और यहां पे मैं रोटेशन की वैल्यू कर दूंगा 0। तो जैसे आपने देखा मैंने खाली स्केल के ऊपर 2 की अप्लाई की है और रोटेशन के ऊपर मैंने कुछ 4 अलग अलग वैल्यूज के साथ कीज अप्लाई की है, ठीक है, रोटेशन प्रॉपर्टी की। अब क्या करेंगे, हम ये सारी कीज को सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे आके किसी भी एक की पे राइट क्लिक कर लो, की फ्रेम असिस्टेंट में चले जाओ और इस जो लीनियर की जो डायमंड दिख रहे हैं वो लीनियर कीज कहते हैं, उसे हम इजी इस की में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हो F9, सारी कीज को सिलेक्ट करो और प्रेस F9, तो ये सारी कीज इजी इज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक एनिमेशन जनरेट हो चुका है, बट उसे मुझे कुछ बेटर तरीके से, ये बहुत ही सिंपल और स्लो मतलब आपको समझ में आएगा, बट आई नीड लिटिल बिट काइंड ऑफ पॉपअप काइंड ऑफ थिंग इन माय एनिमेशन, मुझे थोड़ा हमारा पॉपअप काइंड ऑफ एनिमेशन चाहिए, तो थोड़ा उसके स्पीड्स के अंदर हमें वेरिएबल लाने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जो हमारी स्केल की है उसको सिलेक्ट करता हूं सारी कीज को, एंड मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑल्ट करके आप इस जगह पे रख के अपने कर्सर को घुमाइए तो ये एरिया जूम हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे ड्रैग कीजिए लेफ्ट, तो टेंजेंट जनरेट होंगे और इसको क्या करोगे, ड्रैग कर लो लेफ्ट साइड की तरफ। अब मैं क्या करूंगा, वापस वही सेम चीज नीचे की जो हमारी रोटेशन की सारी चीजें उनको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं वापस ग्राफ एडिटर में जंप करता हूँ और ऐसे मेरे सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ ताकि सभी के टेंजेंट विजिबल हो, और एक साथ सब मैंने एक साथ इसलिए सिलेक्ट किया ताकि मैं एक टेंजेंट को अगर चेंज करता हूं तो रिलेटिवली बाकी के टेंजेंट भी चेंज हो जाएंगे, तो वैल्यूज चेंज हो गए। अब अगर मैं एनिमेशन प्ले करता हूं गाइस, तो आपको पहले वाले एनिमेशन और इस एनिमेशन में एक अच्छा खासा पॉपअप वाला वेरिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा चीज, ये थोड़ा स्लो अगर आपको लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्पीड बढ़ा सकते हो। तो स्पीड कैसे वेरिएबल होता है, जितना भी कीज के बेसिक फंडा है, जितना भी दो कीज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना ही उस पार्ट के एनिमेशन स्लो रहेगा। तो मैं अगर इसका सारी कीज को सिलेक्ट करता हूं और मुझे इंडिविजुअली मतलब प्रॉपर स्केल वैल्यूज डाउन करनी, तो मैं थोड़ा सबको यहां से ड्रैग करता हूं ऑल्ट दबा के विद द लेफ्ट माउस बटन, यहां पे मैंने किया तो अब आप देखो थोड़ा स्पीड उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस, जो हमारे लिए जरूरी था। तो नाउ इज लुकिंग रियली नाइस,
बनाओ, तो ये हमें बहुत ही बेटर तरीके से दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है भाई, हमारा मेन बैकग्राउंड एनिमेशन जो हमारा चैट आइकॉन था मूवर्स एंड पैकर्स के लिए, पैकर्स ऐप के लिए, तो उसमें जो हमारा बीजी था जो रिप्रेजेंट कर रहा है चैट बॉक्स को, वो हमारा एनिमेट हो चुका है। अब बेसिकली ये ऐप है मूवर्स एंड पैकर्स के चैट आइकॉन के लिए, तो उसको हमें यहाँ पे प्लेस करना है हमारे ट्रक को। तो ये मेरे ट्रक वाले ऑप्शंस, तो मैं यहाँ पे अनलॉक कर देता हूँ सारे लेयर्स को, और इनको भी क्या कर देता हूँ मैं सोलो अप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये सारे भी हमारे पास विजिबल हो गए। अब चीज ये होती है, जब भी आप एनिमेशन करते हो मेन चीज ध्यान में रखने वाली ये है, ये बेसिक रूल है गाइस, नॉर्मली जब आप कैमरा से भी शूट करते हो, तो हमारा वीडियो शूट कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो होता क्या है, या तो आपका कैमरा स्टिल है और क्या हो रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट स्टिल है और आपका कैमरा मोशन में है, एंड थर्ड ऑप्शन इज दोनों के दोनों मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा चैट बॉक्स यहाँ पे आके स्टेडी हो जा रहा है, बट मेरे आइकॉन के अंदर मुझे मोशन ग्राफिक कंटिन्यू मोशंस दिखाना है, तो यहाँ पे मेरा ट्रक अभी बाहर तो नहीं जा सकता, उसको यहीं पे रहना है, माई ट्रक शुड बी इन टू द चैट बॉक्स, उससे बाहर इसको नहीं जाना है गाइस। तो अब क्या करें, कैसे उसको दिखाएं कि वो रियलिस्टिक लगे कि हाँ भाई वो मोशन में है। तो भाई एक तरीका ये है कि नॉर्मली हम कभी व्हीकल्स को देखते हैं रोड पे जाते हुए, तो हल्का सा हमें क्या मिलता है, उसकी बॉडी के अंदर मोशन देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज खास करके हमारे इंडिया के रोड के ऊपर बिल्कुल भी सरफेस फ्लैट नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, जिसके कारण क्या होता है सस्पेंशन के ऊपर बॉडी जंप करती रहती है टायर के ऊपर। सो बस अगर वो हम जनरेट कर लेते हैं तो हमें वो लुक मिल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है, हमारा ट्रक मोशन के अंदर है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें जो मोशन देना है उसको किसको देना है, हमें हमारे टायर्स, अगर मैं इसको मोशन दूंगा रोटेशन वाला तो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डिटेल्स नहीं है, फ्लैट सर्कल है, ठीक है सिंगल कलर, तो उसको रोटेशन भी दूंगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वो रोटेट हो रहा है। तो मैं मोशन किसको दूंगा, हमारी बॉडी को अगर मैं मोशन देता हूं अप डाउन तो वो हमें फीलिंग दे देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ट्रक बॉडी उसको सिलेक्ट करना है, और हमें की फ्रेम 0 नंबर की की के ऊपर जंप करना है टाइमलाइन के अंदर, और यहाँ पे हमें पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करना है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप की दे दो, की फ्रेम अप्लाई कर दो ऑन पोजीशन प्रॉपर्टी ऑन द 0 नंबर फ्रेम। फिर मैं क्या करूंगा, 10 फ्रेम आगे जंप करता हूं, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे वैल्यूज को थोड़ा नीचे लेके आऊंगा, ट्रक का पोजीशन जो मेन बॉडी है उसका लेयर है उसकी पोजीशन को क्या करूंगा थोड़ा नीचे लेके आता हूं। अब देखो पहला की लगाने के बाद दूसरा की ऑटोमेटिक लग जाता है, जहां पे भी आप कर्सर रखोगे वहां पे। अब वापस मुझे क्या करना है, 10 फ्रेम आगे जाना है। अब मैं फिर से इसको ऊपर नहीं उठाऊंगा, जो ये पहला वाला की फ्रेम था उसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा। अब जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है वहीं पे कंट्रोल वी पे करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू का की वहां पे क्रिएट हो जाएगा। सेम वापस मैं 10 फ्रेम आगे जाऊंगा, अब डाउन वाला की यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो भाई इतने तक हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे की कॉपी पेस्ट करता हूं टिल द 4th सेकंड, मुझे यहां 4 सेकंड तक इस एनिमेशन को लेके जाना है। 10 सेकंड का वेरिएशन मैं हर एक की फ्रेम के बीच में रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है सारे चीज, आप देख रहे हो गाइस बराबर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक दिस आई एम जस्ट गोइंग टू ओके, मैंने मेरा वर्क एरिया यहाँ पे लिमिटेड कर दिया है और मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ओके वर्क एरिया कैसे आप लिमिट करते हो, तो भाई अगर इस पोर्शन को लिमिट करना है जहां पे आपका कर्सर है तो जस्ट प्रेस एन तो वो वहां पे आ जाएगा, अगर स्टार्टिंग वाले को करना है तो आप प्रेस बी तो वो बिगिनिंग पे आ जाएगा, बट हमें ये स्टार्टिंग से करना है 0 फ्रेम से, तो वापस में वहां पे कर्सर ले जाके प्रेस बी तो बिगिनिंग के, तो ये आप क्या कर रहे हो अपने वर्क एरिया को लिमिटेड कर रहे हो। तो जब भी आप रैम प्रीव्यू करोगे आपके वर्क एरिया के अंदर ही उतना रैम प्रीव्यू होगा, ताकि आपके सॉफ्टवेयर को लोड ना पड़े। तो भाई ये हो गया, अगर मैं अब इसको प्ले कर रहा हूं तो आप देख रहे हो कि मेरा ट्रक अप डाउन हो रहा है, सो इट्स गुड। बट मुझे अभी एक और चीज चाहिए कि भाई ट्रक स्टार्टिंग से तो पहले विजिबल है नहीं बराबर, तो सबसे पहला काम क्या करने पड़ेगा कि जैसे ये आइकॉन आता है यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक दिस, आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे जैसे ये जनरेट हुआ और पीछे की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट समथिंग यहाँ पे, तो यहां से मैं क्या करूंगा, ये जो सारे लेयर्स की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ये सारे लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया है, ऑल्ट दबा के अपना लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लिक कीजिए, तो आपने क्या कर दिया चारों लेयर्स को यहां से क्या कर दिया ट्रिम कर दिया है, ठीक है। बट ऐसे अप्लाई करने की जगह पे, अब इंडिविजुअल लेयर पे काम करने की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ सारे लेयर को सिलेक्ट करके, अप्लाई कंट्रोल शिफ्ट एंड सी एंड क्रिएट अ प्रीकॉम, एक प्रीकॉम क्रिएट कर देंगे ट्रक की बॉडी या ट्रक के आइकॉन के लिए हमारे, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ उसको नेम दे ट्रक आइकॉन
प्रीकॉम, मैंने यहाँ पे इसको नेमिंग कर दिया है मेरी प्रीकंपोजिशन को। अब मैं यहीं से इसको क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। अब मुझे क्या करना है गाइज, यहाँ पे हमने ट्रिम कर दिया, बट मुझे ट्रक को डायरेक्टली अपियर नहीं करना है कि जैसे सीधा वो दिखने लगे चैट बॉक्स के अंदर। मुझे क्या करना है, उसको अपियर करने के लिए जैसे एक सेकेंडरी एनिमेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए करना कि जहां से ये जो हमारा चैट बॉक्स है राइट डायरेक्शन में टर्न होने वाला है, बिल्कुल वहीं से पहले तो हम इस लेयर को फिर से एक बार ट्रिम कर देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन कर लो, जो हमने ट्रक आइकॉन का प्रीकॉम क्रिएट किया उस लेयर का पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करो, वहां पे की दे दो, फिर 10 की फ्रेम आगे जंप कर लो और वहां पे फिर से एक बार की फ्रेम दे दो पोजीशन प्रॉपर्टी को। अब वापस से पहले वाले की फ्रेम पे आ जाओ और उसका पोजीशन हम कुछ लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर लेते हैं हमारे ट्रक आइकॉन का, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट। ओके, ये हो चुका है। अब क्या करना है, जो हमारी दोनों कीज है उसको सिलेक्ट करते हैं और प्रेस F9 करते हैं। चलते हैं हम ग्राफ एडिटर के अंदर, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और यहां पे क्या करूंगा, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जो उसका टेंजेंट है उसको हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर लेंगे गाइस। तो भाई इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। अब इसको मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया है, उसको थोड़ा मैं यहां पे लाके रखता हूं और रिजोल्यूशन को थोड़ा मैं डाउन कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस। अब अगर इसको एक बार आइकॉन को प्ले करके देखें कि भाई वो कैसा दिख रहा है, सो नाउ यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल तरीके से ट्रक एंटर कर रहा है हमारे चेक आइकॉन के, चेकबॉक्स आइकॉन के अंदर। सो दिस इज अवर बेसिक एनिमेशन जो हमने क्रिएट किया है मूवर्स एंड पैकर्स एप के लिए चेक आइकॉन जनरेट करते हुए। अब इसी एनिमेशन को आप वेरिएबल वे से गाइज यूज कर सकते हो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर। सो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स सी इट। अब अगर यहां पे देखोगे तो मैंने एक, जैसे आप स्टोरी टेलिंग के लिए इस एनिमेशन को यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो किसी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए, या फिर रोड साइड बैनर्स के लिए ऐसे कुछ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए गाइज। सो यहाँ पे आप देखोगे एक ही ट्रक जो हमने एनिमेट किया है वही वाला पोजीशन मैंने फॉलो किया है, बस यहाँ पे एक चीज हो रही है कि ट्रक कंपोजिशन के एक साइड से एंटर हो रहा है दूसरी साइड पे एग्जिट हो रहा है, और उसी ट्रक के लेयर को मैंने मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट करके उसको ऑफसेट करके यहाँ पे प्ले किया हुआ है। प्लस अगर आप स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरे क्लाउड्स भी इन मोशन है। तो भाई जब भी मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करते हो गाइज, स्क्रीन के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होना जरूरी है, वो चीज हमेशा ध्यान में रखना। सो आई होप आपको मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो एंड हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय गाइस।